उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन के वार्ड समिति के चेयरमैन जोगीराम जैन ने कहा कि किसानों को विदेशी ताकतों द्वारा बरगलाया जा रहा है। कल तक हमारी पार्टी की सहयोगी और मंत्री रही हरसिमरत कौर संसद में कृषि बिल के समय पक्ष में बोल रही थी और अब विपक्षी सांसदों के साथ धरना स्थल तक जा रही है। आइए देखिए जोगीराम जैन ने क्या कहा। 72 दिन हो गए किसानों का आंदोलन करते हुए। मैं तो ये कहूँगा कि ये किसानों का दुर्भाग्य है कि वो किसी के कहने से गुमराह हो रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से इन बिलों को पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। अगर मान लो घर में कोई बुज़ुर्ग हमारे हैं, आपके माता पिता भाई, जो सारी उम्र आपकी देखभाल में लगा हुआ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला है, उनके जहन में केवल किसान ही किसान रहता है। गरीब आदमी, मजदूर और किसान, उनके भलाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं कि पूरे लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना के समय या उससे पहले, कितनी योजनाएं बना के किसानों को हर हालत में उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी है। और अभी भी वो कमिटेड हैं कि किसानों की आय 2022 तक वो दुगनी कर देंगे। जिस व्यक्ति की ऐसी सोच हो, जिसका कोई अपना स्वार्थ ना हो, वो क्या गलत जो है ना कोई बिल बना सकता है? ये किसान लोग दूसरी पार्टी के लोगों के और किसी खालिस्तानी आंदोलन चलाने वालों के विदेशों के इशारे पे गुमराह हो गए हैं। अदरवाइज कोई बात नहीं है। वो जो असली किसान हैं वो बिल्कुल दिल से सच्चे हैं, लेकिन उनको बहकाने वाले, उनको बरगलाने वाले इस तरह के लोग हैं, जिसकी वजह से वो अपना भी भविष्य खराब कर रहे हैं और देश की प्रगति में भी बाधा पैदा कर रहे हैं। जिनको खेतों में रहना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो ऐसे पॉलिटिक्स में घूम के। मैं आपको एक संक्षिप्त सी जानकारी दूं, इसमें हमारे सहयोगी बादल ग्रुप के जो है ना वो रहे हैं। और बिल जब पास हो रहा था तो सिमरनजीत कौर जो है ना वो इसके पक्ष में भाषण दे रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो रिजाइन दे के भी चले गए। और वहाँ पर जो है ये भड़काया पंजाब में जाके लोगों को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े गोडाउन बना रखे थे और MSP का सारा फ़ायदा वही उठाते थे, पहले सारा माल खरीद लेते थे। तो उनको लगा कि अगर ये बिल पास हो गए तो हमारी रोजी रोटी जो है ना जाएगी, जो अरबों का व्यापार करते थे। केवल इस तरह के जो लोग हैं, जो बहुत मोटा इन्वेस्ट करते हैं इस काम में, वो लोग जो है ना वो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ऐसा किया है और उसकी वजह से गुमराह होकर वो पैसा भी यहीं लगा रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। न जाने इतना पैसा जो है ना इस आंदोलन में वो खर्च कर रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है। नहीं तो किसान कभी ऐसे कर सकते हैं क्या? और अब जो अपनी 26 तारीख को जो देखने को मिला है, उसमें कहीं बात रह गई कि ये किसान है? इससे जो है ना बदतर स्थिति इस आंदोलन की और हो नहीं सकती। जितना मैं तो यही उनको भी ये सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो वो इस बात को समझें और अपने आप अपने इस आंदोलन को विड्रॉ करें। मोदी जी कहीं दूर नहीं है, जो उन्होंने कमिटमेंट करी है वो उसको पूरा करेंगे। इसलिए जितना अच्छा हो सके इसको समाप्त करें और आराम से अपना काम करें।